गाइस आज तुम्हारे भाई की इंडक्शन में ड्यूटी है और अभी तो बैठे ही हैं, तो सो आज नो ग्लास फिलहाल। ये भाई कुछ कह रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, ऐसे का सारा इंडक्शन और उस साइड सारी रिपोर्टिंग। लड़की पटाओ, जिंदगी जियो, यही एक ड्रीम है एलपीयू में आने का। एक रील नहीं देखा है कि एलपीयू में लड़की पटाने के चार टिप्स क्या क्या थे? आपके पास बाइक होनी चाहिए, लॉगेट पे रूम होनी चाहिए, टायर होने चाहिए। दीदे वो एनएसएस से है जो एनएसएस में ज्वाइन कराता है फ्रेशर्स को और उससे हेल्प मिलती है, सीवी में इंक्रीजमेंट आता है और सर्टिफिकेट मिलता है, ये सब लगाने जाने। तो देखते हो इधर ही आए, ओवन एक्सप्रेस में रोटियां हैं और मलाई चाप है। टेस्ट करानी है पहली, बता दियो बढ़िया। रोज खाते हैं ना तो टेस्ट पता है। टेस्ट प्लस एलपीयू के बारे में पता नहीं, पैसे दे के खरीदे हैं। अरे भाई ज्यादा मजा तो यहाँ आ रहा है, इससे बढ़िया यहीं डेली आ जाओ। बस ये एक ही डिफरेंस है, बस वहाँ एसी है, यहाँ पंखे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये पबजी वाली बग्गी है। इसमें बंदे बहुत जल्दी नॉक होते हैं क्योंकि पूरी चारों तरफ से ओपन है। 6 इयर्स हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये डेमो के लिए रखा है बस। अच्छा, इंडक्शन में जैसे इंडक्शन चल रहा है ना, इसलिए तो मल्टी पैडल बस जो कि चलाएंगे इतने बंदे, ड्राइवर होगा एक, तो समझ जाओ कौन है ये। आपने रोटेट किया, ये एक पर्टिकुलर इमोशन पे आके यू नो रुकेगा, तो उस पर्टिकुलर इमोशन से आपको वो स्टोरी बतानी है जो इस इमोशन से रिलेटेड। लिखना नहीं, ये दूसरा है। अगर आप चाहते हो तो आप कोई कोट को बतानी है। हाँ, इसमें बताना है, दिस इज डिफरेंट। इसमें आप कोट लिखोगे या आप डूडलिंग कर सकते हो एंड देन वी विल पेस्ट इट ओवर आवर डिस्प्ले बोर्ड। ये अब ना जा रहा है लड़की को समझाने एनएस के फायदे। कोई फट रही है इसकी, एक और डर लग रहा है। ये भाई भी गया अपना, देखता देखना देखना, बोलो देखो देखो देखो, चार पांच बार हो गया इसको जाते हुए, फिर वापस आ जा रहा है डर की वजह से। देखो 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 भाई जाना, ऐसा थोड़ी होगा यार, ऐसे जुड़ गए फिर। फाइनली भाई देख लो, बहुत हिम्मत करके गया। से बोला कहता एक्सक्यूज मी, तभी कहता यस आई एम फ्रॉम एनएसएस, तभी कहता आपको हिंदी आती है? कह रहा हाँ। तो क्या अच्छा बिहार से हो क्या? तो सही है। आज तो भाई एनएसएस में ड्यूटी, तो वर्क हमारा ये था कि स्टॉल जो लगा था, 5-6 यूनिट होते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें एक यूनिट हमारा था। हमें जो भी फ्रेशर आ रहा था उनको एनएसएस में ज्वाइन कराना था और उनको बताना था जो भी एडवांटेजेस हैं एनएसएस में जुड़ने के, वो सब उनको बताना था। फिलहाल अभी यार हालत डाउन है बिल्कुल, पूरे दिन वहीं पे लगे थे कैंप में और अभी चल रहा हूँ खाना खाने। आज यार दिन में नहीं सोया क्योंकि रात का जो रूटीन है वो ख़राब हो गया। सुबह यार बड़ी मुश्किल से उठा था मैं, अलार्म लगा लिया दोनों फोनों में बात हुई, फिर से लेट गया, फिर 5-10 मिनट फिर सोया। फिर मैं कहा यार चल रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया था, नहीं जाता तो यार बात ख़राब होती। बट यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जुड़ो तो यार अलग, मतलब अलग एक्सपीरियंस आता है और अलग ही फन आता है। आज बड़े मज़े आए यार, थकान तो ही ज़्यादा। एक चीज़ और नोटिस करी यार, मतलब बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। आज तो मैं जल्दी निकल आया वरना ये तो सो रहा होता इस टाइम, तो भीड़ भाड़ है बट मैं देख रहा हूँ बार बार एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, मतलब बहुत बच्चों को इधर से उधर। ये देखो दिख रहा हो अगर तो, इधर स्विमिंग भी सिखाते हैं, मेरा भी सीखने का मन है बट यार टाइम नहीं मिलता, टाइम की कमी है, वरना भी अपनी स्विमिंग सीख लेते, बट ट्राई करेंगे कि स्विमिंग सीख जाए। सच बताऊँ अभी नींद में चल रहा हूँ यार, पूरा थक गया हूँ नींद, क्योंकि यार ये सोने का ही टाइम रहता है, आज जाग गया कैसे ना कैसे। फिलहाल किचन हेटे जा रहा हूँ, वहीं खाना खाएंगे। भाई जो भी तुमने देखी वीडियो वो सब BH1 की कुछ लड़ाई हो गई, मतलब का क्या हो गया ये पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। मैं वहाँ खाना खा रहा था, उसके बाद देखा कि 5-6 लड़के आ गए इकट्ठे, या 7-8 लड़के आ गए,
तो एक बेचारे मतलब बंदे को घेर लिया, रूम में नींद नहीं आ रही थी तो मैं नीचे आ गया, यार यहाँ बैठूंगा, कल छुट्टी है मेरी तो वीडियो एडिटिंग कर लूंगा, एक दो वीडियो है वो भी एडिट करनी।